एक बार फिर कैप्टन की किरदार निभाने के लिए तैयार धोनी, क्या हो सकती है वापसी? महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बोला जाता है कि वो न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी बल्कि कप्तान से भी मैच जिताने का दम रखते हैं। दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में शुमार व टीम इंडिया के महान विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही जुलाई 2019 से क्रिकेट के मैदान पर कदम नहीं रखा है, लेकिन वो एक बार फिर कैप्टन की किरदार निभाने के लिए तैयार है। धोनी ने पिछला मैच आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर खेला था, जिसमें टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से धोनी के भविष्य को लेकर अटकलों का मार्केट गर्म है, हालांकि उन्होंने खुद इस बारे में स्थिति साफ नहीं की है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग टीम के कैप्टन हैं। वह अपनी टीम को 3 बार इस टूर्नामेंट का विजेता बना चुके हैं। आईपीएल का 13वां सीजन इस वर्ष 29 मार्च से प्रारंभ होगा, जबकि खिताबी मुकाबला 24 मई को मुंबई में खेला जाएगा। हालांकि इस बार के आईपीएल के उद्घाटन से 3 दिन पहले एक ऑल स्टार मैच का आयोजन भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें आईपीएल की सभी 8 फ्रेंचाइजियों के खिलाड़ी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि ये मैच उत्तर और पूर्वी हिंदुस्तान की 4 फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स व कोलकाता नाइट राइडर और दक्षिण व पश्चिम हिंदुस्तान की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सनराइजर हैदराबाद व मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के बीच होगा। एबी डिविलियर्स भी होंगे धोनी के टीम का हिस्सा। अगर ऐसा हुआ तो फिर संसार एक बार फिर विराट कोहली व रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलता दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है, जबकि विराट कोहली के पास रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु व रोहित शर्मा के पास मुंबई इंडियंस की कप्तानी है। ऐसे में जबकि ये तीनों खिलाड़ी ऑल स्टार मैच में एक ही टीम के लिए खेलेंगे, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि टीम की कमान एमएस धोनी के ही हाथ में रहेगी। इतना ही नहीं, इस टीम में एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन, जसप्रीत बुमराह व लसित मलिंगा भी खेलते नजर आ सकते हैं। रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे पास कैप्टन है, उन्होंने सर्वाधिक 4 बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया है। वही उत्तर व पूर्वी हिंदुस्तान की टीम में आंद्रे रसेल, ऋषभ पंत, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, पेट कमिंस, आयन मॉर्गन, जोफ्रा आर्चर व श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी नजर आ सकते हैं। हालांकि ये मुकाबला कहां खेला जाएगा इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। माना जा रहा है कि आईपीएल 2020 के उद्घाटन मुकाबले से पहले ऑल स्टार मैच कराने का विचार बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली व आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल के दिमाग की उपज है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, एक बार फिर कैप्टन के किरदार निभाने के लिए एमएस धोनी तैयार है या नहीं? अपना सुझाव कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।